हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ रोहित। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी को लेके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द जनरल अवेयरनेस। जैसे कि हम सब जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज़ वन एग्ज़ाम होता है, उस फेज़ वन एग्ज़ाम के अंदर जनरल अवेयरनेस को लेके यहाँ पर 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो 80 नंबर की यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आती है आरबीआई ग्रेड बी के फेज़ वन एग्ज़ाम के अंदर। और वो जो 80 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं वो रहते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के। वो यहाँ पर रहते हैं स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आरबीआई ग्रेड बी को लेके जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज़ हैं आरबीआई ग्रेड बी को लेके, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चाहे आपको कंप्लीट कोर्स देखना है फॉर द फेज़ वन, फॉर द फेज़ टू, फॉर द बोथ फेजेस, एंड या फिर आप बात करना चाहते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के कोर्स की, या क्वांट के कोर्स की, रीजनिंग की, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोर्स की, तो यहाँ पर माइक्रो कोर्सेज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे क्लास की तरफ। आरबीआई ग्रेड बी को लेके जनरल अवेयरनेस के आज कुछ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर क्लास के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। कोपनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कोपनहेगन इनमें से किस देश की राजधानी है? कोपनहेगन इनमें से किस देश की राजधानी है? कोपनहेगन, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इसराइल, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड। तो देखिए ये जो कोपनहेगन है, ये डेनमार्क की राजधानी है, ये डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क देश की कैपिटल है कॉपनहेगन। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है डैनिश क्रोन, डैनिश क्रोन, डैनिश क्रोन यहाँ पे करेंसी चलती है। कहाँ पे? डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क के अंदर जो करेंसी चलती है वो क्या होती है? डैनिश क्रोन। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कॉपनहेगन। और करेंसी क्या चलती है? डैनिश क्रोन, डैनिश क्रोन। मैं बाकी देशों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम, वो है जेरूसलेम। स्वीडन की है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। डेनमार्क की हमने बात करी ली, कॉपनहेगन। नॉर्वे की है ओस्लो, ओस्लो। आयरलैंड की है डबलिन, आयरलैंड की है डबलिन, DUBLIN, डबलिन। तो ये बाकी देशों की राजधानी भी मैंने आपको बता दी। तो फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में टूरिज्म को लेके एक बॉडी वर्क करती है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, दैट इज़ UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनमें से किस देश में है? फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, USA में है, स्विट्जरलैंड में है, स्पेन में है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन के अंदर, स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, मैड्रिड स्पेन में। दैट इज़ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और ये बना कब था? ये बनी थी 1975 में, 1975 में ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है मैड्रिड स्पेन के अंदर, मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर यहाँ पे बात करना चाहे तो वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है। ये कब होता है? ये होता है 27th of September, 27th of September को होता है क्या? वर्ल्ड टूरिज्म डे। एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो नेशनल टूरिज्म डे होता है ये कब होता है? ये होता है जनवरी में, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को,
25 जनवरी को वो नेशनल वोटर्स डे भी होता है, 25 जनवरी को टूरिज्म डे भी होता है, 25 जनवरी को वोटर्स डे भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है। एंड वर्ल्ड टूरिज्म डे का, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो मैड्रिड स्पेन में है, वो है मैड्रिड स्पेन के अंदर, मैड्रिड स्पेन के अंदर। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द पुष्कर लेक सिचुएटेड? पुष्कर लेक इनमें से भारत के किस हिस्से में स्थित है? पुष्कर लेक, पुष्कर लेक, तो देखिए बेसिकली एक पुष्कर जगह भी है, पुष्कर एक जगह है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। तो उत्तर यहीं से सीधा हो जाता है कि पुष्कर लेक जो है वो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर नाम की एक जगह है जहाँ पे स्थित है पुष्कर लेक, जहाँ पे स्थित है पुष्कर लेक। तो पुष्कर लेक कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। यहाँ पे अभी बात करना चाहूँ राजस्थान की, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान। नेक्स्ट, रामागुंदम डैम कहाँ पे? रामागुंदम डैम कहाँ पे स्थित है? रामागुंदम डैम कहाँ पे स्थित है? क्या ये तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, असम में है, मणिपुर में है या सिक्किम में है? रामागुंदम डैम, देखिए रामागुंदम डैम की अगर मैं बात करूँ तो रामागुंदम डैम जो है ये गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर। ये अभी इम्पॉर्टेंट था क्यों? क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्लांट है, इंडिया का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो कि 100 मेगावाट का हम बना रहे हैं, ये भी इसी रामागुंदम डैम के हिस्से में बनाया जा रहा है। तो डैट इज़ इन तेलंगाना, डैट इज़ इन तेलंगाना, कहाँ पे आई है? तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर। तो रामागुंदम डैम बच्चों कहाँ पे है? तेलंगाना में है, गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ, गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पंथी डांस, पंथी डांस ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। पंथी डांस इज एन इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये किस राज्य का डांस है, किस राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है अच्छे लेवल पे? क्या मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है या सिक्किम है? कहाँ का डांस है ये पंथी डांस? तो पंथी डांस ये छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस डांस है, छत्तीसगढ़ का, दैट इज पंथी डांस, पंथी डांस छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है रायपुर, न्यू कैपिटल जो इसकी आगे आने वाली है वो है अटल नगर, नया रायपुर उसका नाम बदल के अटल नगर रखा गया। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। तो पंथी डांस छत्तीसगढ़ का डांस है। नेक्स्ट, द देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये देहिंग पटकाई जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको प्रमोट करके नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, तो ये कहाँ पे है? ये है असम के अंदर, ये है असम के अंदर, बहुत फेमस है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब इसको नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, अब इसको बनाया जा रहा है नेशनल पार्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। असम, असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए नेक्स्ट है, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? क्या त्रिपुरा में है, सिक्किम में, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटका में है? क्लाउडेड लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, तो देखिए क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा, त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा में है क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है श्री ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है? ऐरावतेश्वरा टेम्पल, मे बी आपने इसके बारे में सुना हो, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये ऐरावतेश्वरा टेम्पल। तो ये कहाँ पे है, ये किस राज्य में है ऐरावतेश्वरा टेम्पल?
तो देखिए बच्चों, ये जो टेम्पल है ये है तमिलनाडु के अंदर, ये है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु का बहुत ही फेमस टेम्पल है ये, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये अरे अरवतेश्वरा टेम्पल। तो कहाँ पे आइए, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है। यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर बच्चों जो है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर, वो है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वरियर्स। एग्जाम वरियर ये किताब है, इस किताब के लेखक कौन है? एग्जाम वरियर्स इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा? तो देखिए एग्जाम वरियर्स की अगर मैं बात करूँ, ये किताब लिखी थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोदी जी की लिखी हुई ये किताब है एग्जाम वरियर्स। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखें, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7th of April को, एवरी ईयर, हर साल 7 अप्रैल को होता है दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि दुनिया में हेल्थ को लेके जो बॉडी वर्क करती है, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 7 अप्रैल 1948 को, 7th of April 1948 में बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के चलते हुए 7 अप्रैल को दुनिया भर में हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO की और बात करूँ तो WHO 7th of April 1948 को बना। WHO का हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं इसकी बात करूँ WHO की, तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है डॉक्टर टेड्रस एडानम, डॉक्टर टेड्रस एडानम। और अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करूँ तो ये कब होता है बच्चों, ये 7 अप्रैल को हम कंडक्ट करते हैं, 7 अप्रैल को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और 2021 में, 2021 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया, इस बार इसका थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम था बिल्डिंग अ फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड, बेरियर सॉरी बिल्डिंग अ फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग अ फेरियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, ये इस बार इसका थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि कब होता है, जो कि 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं हम, 7th of April को। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDEDA, ये कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसको अभी अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि इसको इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है, इस बॉडी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है, दैट इज़ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अभी अभी इसको क्या दिया गया, अभी अभी इसको दिया गया है क्या, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार इसको दिया गया है ISA के द्वारा। इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रदीप कुमार दास, प्रदीप कुमार दास। एंड ISA के हैं अजय माथुर, अजय माथुर, अजय माथुर। एंड ISA का हेडक्वार्टर अगर बच्चों बात करो तो यह है गुरुग्राम में, यह है गुरुग्राम में। हाँ, इसको यह अवार्ड क्यों दिया गया, क्यों इसको यह अवार्ड दिया गया, क्योंकि इसने बहुत अच्छे लेवल पे जो ग्रीन फाइनेंसिंग करी है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर बहुत अच्छे लेवल पे फाइनेंसिंग करी है, जिसके चलते हुए इसको यह अवार्ड दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, कन्वर लेक, कन्वर लेक, कंवर लेक, कंवर लेक, ये इनमें से किस राज्य में स्थित है? कंवर लेक इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य और कोई नहीं, ये राज्य है बिहार, ये राज्य है बिहार। कंवर लेक कहाँ पे बच्चों? यह है बिहार के अंदर, यह है बिहार के अंदर। कंवर लेक कहाँ पे? यह है बिहार के अंदर, बिहार में है कंवर लेक। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके नाम पे एक स्टेडियम भारत में बनाया गया था।
तो ये स्टेडियम कहाँ पे है, ये स्टेडियम कहाँ पे है? तो बच्चों ये स्टेडियम है हैदराबाद में, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। तो ये स्टेडियम कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर, स्टेडियम है तेलंगाना के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईसीसी का हेडक्वार्टर। आईसीसी की बात करो तो ये 1909 में बना था, 1909 में इसको बनाया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले ये इसके हेड है, ग्रेग बार्कले ये इसके हेड हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो रेलवे के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जैसे कालका शिमला हाईवे हो गया, कालका शिमला रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है, और उसी तरह से ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये कहाँ पे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है? क्या तेलंगाना में है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है, हरियाणा में है, या तमिलनाडु में? नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये है तमिलनाडु के अंदर, यह है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर स्थित है द नीलगिरी माउंटेन रेलवे, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे। चलिए बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, दैट इज रिगार्डिंग द स्टैटिक जीके। तो ये स्टैटिक जीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आरबीआई ही नहीं, सेबी या नबार्ड की बात करूँ तो उस उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास के चलते हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम या डाउट आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का डाउट लिखिएगा। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगली क्लासेज में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता रहूँगा, और आज की क्लास का हम यही समाप्त करेंगे। बट आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, आपको प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, बट सिचुएशन विल बी नॉर्मल वन डे। तो जब ये नॉर्मल होगी तो एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट होगा और आपको वो जॉब लेके रहनी है हर हाल में। तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। इट्स ऑल फॉर।